इस साल होने वाले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मीटिंग को कोरोना वैश्विक महामारी के कारण टाल दिया गया था, लेकिन अब जनता के प्रतिनिधि ये मांग कर रहे हैं कि इस मीटिंग को जल्द से जल्द आयोजित किया जाए ताकि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए सभी मामले प्रशासन तक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मीटिंग के जरिए पहुंच सके। अंडमान लाइव से बात करते हुए दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष सुबीर चंद्र ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि 10 जुलाई तक प्रशासन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मीटिंग कराने की अनुमति दे देगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा यकीन है सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए कम सदस्यों के साथ इस मीटिंग को कराया जा सकता है। डीपीसी के लिए हमने डेट फिक्स किया था 16 जून, 17 जून और 18 जून को 3 दिन के लिए फिक्स किया था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 के जो केसेस है वो बहुत बढ़ गए थे, उसकी वजह से मुझे सजेशन आए थे एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे जिला परिषद मेंबर्स के भी कि शायद डीपीसी को हमें थोड़े दिन के लिए डिले करना चाहिए। लेकिन अब आप जानते हैं कि सरकार का पॉलिसी ऐसा है कि सारे कामकाज तो कोरोना काल में कोरोना के साथ में रहते हुए हमें करना है। ये महामारी हटने के लिए कई दिन लग जाएंगे और इसकी वजह से हम अपने अंडमान के डेवलपमेंटल वर्क को नहीं रोक सकते। तो उसको साथ पे जब इलेक्शन कमिश्नर जब इलेक्शन सोच रहे हैं वो भी कराने के लिए रेडी हैं, तो डीपीसी तो बहुत छोटी सी मीटिंग है जिसपे 40-50 लोगों का मीटिंग है, तो हम एक बड़ी वेन्यू में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम डीपीसी कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन है और मेरा यही एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने डायरेक्शन हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनको भी बोला है कि डीपीसी हम कंडक्ट करेंगे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो इसको करेक्शन कर लेंगे। देन अभी जहाँ तक मुझे अभी मालूम हुआ है कि फाइल अंडर प्रोसेस है, हमने 7 तारीख का डेट दिया था कि डीपीसी हम शुरू करेंगे, शायद हम उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख तक हम डीपीसी कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रिक्वेस्ट दिया है कि हम डीपीसी करना चाहते हैं, ऐसे चेयरमैन मैंने बोला है कि हम करना चाहते हैं और उसके लिए वेन्यू फिक्स किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो करते हुए और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम डीपीसी करने में कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जितने पॉलिटिकल जो भी डीपीसी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो भी हैं डीपीसी मेंबर्स जिसपे काउंसलर हैं और हमारे जिला परिषद मेंबर हैं और पंचायत के प्रमुख हैं समिति के, तो वो सब लोग उस पर अपनी इच्छा जाहिर किए हैं कि जिसपे हमने मेजोरिटी में लोगों ने चाहा है कि डीपीसी होना चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि डीपीसी को कैसे भी सक्सेसफुली पूरा करें।